शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि मोदी के लौटने पर अनंत गीते उनसे मुलाकात करेंगे, अपना इस्तीफा सौंप देंगे। सवाल यह है कि क्या उद्धव ऐसा भाई राज ठाकरे के कहने पर कर रहे हैं? महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की डोर टूटी तो केंद्र में भी रिश्ते दरकने लगे हैं। मोदी की कैबिनेट में शिवसेना के जिस इकलौते नेता को मंत्री पद से नवाजा गया था, अब वो इस्तीफा देने की तैयारी में है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते के इस्तीफे को लेकर खुद उद्धव ठाकरे ने बयान जारी कर दिया है कि इंतजार अब मोदी के लौटने भर का है। मला वाटतं नरेंद्र मोदी आल्यानंतर अनंत गीते त्यांच्याकडे जातील आणि त्यांच्या हातात राजीनामा देतील। लेकिन इस सियासी समीकरण में एक और किरदार की भूमिका बेहद अहम है। उद्धव ठाकरे का बयान आने से पहले रविवार को राज ठाकरे ने अपनी रैली में जो तंज करते हुए कहा था कि शिवसेना को बीजेपी का साथ केंद्र में भी छोड़ देना चाहिए और मंत्री पद को ठोकर मार देनी चाहिए। अखर तो माझा टीकेचा विषय नहीं, महाराष्ट्राची करून ठेवलेली हालत म्हणून मी फक्त सांगतोय। एवढा सगळा अपमान केल्यानंतर देखील केंद्रीय मंत्रीपद तुम्ही परवर ठेवता? अरे लात मारायला पाहिजे होती असल्या केंद्रीय मंत्रीपदावरती। महानगरपालिकेतली युती बरोबर ठेवता? विश्वास कसा ठेवायचा तुमच्यावरती? राज ठाकरे के इस बयान के बाद अनंत गीते के इस्तीफे पर उद्धव ठाकरे का बयान क्या महज एक संयोग कहा जाएगा? जिस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन को लेकर रस्सा कशी चल रही थी, तब भी उद्धव ठाकरे भाई राज ठाकरे की सेहत का हालचाल पूछ रहे थे। उधर बीजेपी की तरफ से उद्धव ठाकरे के बयान पर सीधी और सपाट प्रतिक्रिया यही मिली है कि गीते का इस्तीफा शिवसेना का फैसला होगा। मोदी के अमेरिका दौरे पर निकलते वक्त शिवसेना से रिश्ता टूट रहा था और अब अमेरिका दौरे से लौटने के बाद एक मंत्री इस्तीफा देने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र की राजनीति का रंग बदल रहा है और दिल्ली की सियासत में इसके असर से कैसे निपटेंगे मोदी, इसका भी इंतजार रहेगा। मुनीश पांडे, मुंबई आज तक।